हाँ जी, किदा जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। ते होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं हूँ पंजाब में अपने घर पे। तो आज यही व्लॉग बनेगा। मैं आपको अपने घर का टूर करवाऊँगा और सारी चीज़ें दिखाऊँगा अपने घर की। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एक डेढ़ साल बाद आया हूँ मैं अपने घर पे। तो आज एक तरफ बहुत खुशी है और एक तरफ गम भी है, बिकॉज मैं आज वापस जा रहा हूँ बैक टू होम, जो मेरा दूसरा होम है। और आज पंजाब को छोड़ दूंगा मैं दोबारा से, फिर पता नहीं कब एक दो साल बाद वापस आना होगा यहाँ पे। तो चलो, ऐसा तो चलता ही रहता है, यू नो, आप कुछ करना है तो आगे बढ़ना है तो अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है आगे। तो चलिए, आज ही आपको टूर करवाएंगे अपने घर का, और बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ पर मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा घर और आपको कैसा लगा ये टूर। एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी आगे वीडियोस बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है मेरे डैड और यहाँ से शुरू होता है मेरा घर। तो गाइस, ये है मेरे घर का फ्रंट और यहाँ से नीचे आएंगे हम, ये सामने मेन गेट। तो चलिए, मेन गेट के अंदर चलते हैं। तो गाइस, यहाँ से एंटर होते हैं हम अंदर, और ये खड़ी है मेरे डैड की कार और मॉम की स्कूटरी। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा गार्डन, जो कि बहुत गंदा हुआ पड़ा है, बिकॉज कोई है नहीं ध्यान रखने वाला ज़्यादा, तो इसलिए यू नो टाइम नहीं लगता। और ये है अनदर पार्ट ऑफ माय हाउस। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हम अंदर आए थे अभी गेट से, और ये ऊपर सारा यहाँ पे है मंदिर, और ये यहाँ पे आगे जाके मेरे रूम्स है, यहाँ पे है किचन। और ये चलो, बाकी मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, फिर पता लगेगा आपको। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हम अंदर आए थे अभी गेट से, और ये ऊपर सारा यहाँ पे है मंदिर, और ये यहाँ पे आगे जाके मेरे रूम्स है, यहाँ पे है किचन। और ये चलो, बाकी मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, फिर पता लगेगा आपको। ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, इसके अंदर जो एंट्रेंस जाती है ऊपर घर पे, तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो ये सारी सीढ़ियाँ ऊपर जाती है मेरे घर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। ऐसे ही, तो गाइस, जैसे ही हम ऊपर आते हैं और सामने आपको दिखेगा मेरा लिविंग रूम। यहाँ पे टीवी वगैरह देखते हैं हम, यू नो, डिनर वगैरह करने के लिए। यहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ा है, और ये कुछ मेरे नीज एंड नेफ्यूज की फोटोज़ हैं। अब आपको अच्छा लगा हुआ, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था अपना इंटीरियर अपने लिविंग रूम का। हेलो माता, आलू गाजर सब्जी चाह। ये है मेरी मॉम और ये बना रही है अभी आलू गाजर और बन रही है चाय। तो गाइस, ये है हमारी किचन। तो जो ये सामने डोर है, इसको हम खोलते हैं, और ये है हमारा ड्राइंग रूम। और जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं ड्राइंग रूम में, तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा ड्राइंग रूम। ये सामने दो चेयर्स हैं बड़ी, और ऊपर काफ़ी अच्छा शैंडेलियर लगा हुआ है। सीढ़ियाँ जाती हैं, ये ऊपर है, यू नो, सेकंड फ्लोर।
जहाँ पे मेरा रूम है, जहाँ पे मैं रहता था पहले रूम में। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं गाइस, सबसे पहले आता है हमारे घर का मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और मंदिर से निकलने के बाद ये ऊपर जो सेकंड फ्लोर है, ये ऊपर दो रूम बने हुए हैं मेरे। तो गाइस ये था मेरा रूम, एक्चुअली अभी रेंट पे दिया हुआ है, तो मैं रहता नहीं हूँ यहाँ पे, कोई लड़का रहता है जिसको रेंट पे दिया हुआ है मॉम डैड ने। से बाहर निकलने के बाद आपको ये एक बहुत बड़ा काइट दिखेगा, ये है 2016 का गाइस, दो साल हो गए मुझे इसे पकड़े हुए और अभी भी यहीं पे पड़ा है ये काइट। यही यादें रह जाती है यहीं पे, इंसान तो कभी कहीं कभी कहीं। तो ये दूसरे रूम से निकल के हम बाहर आए तो एक और रूम आता है, और ये भी रेंटेड किया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है हमने। और ये भी मेरा ही रूम था, मैं ही यूज़ करता था, बिकॉज मैं अकेला हूँ तो सारे कमरे बड़ा मज़ा आता है इधर उधर रुकने का, रहने का। और ये बाथरूम बना हुआ है। तो ये है गाइस बाहर जाने का रास्ता टेरेस पे, और यहाँ से हम बाहर जाते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है गाइस गर्मियों में, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये हमारा टेरेस है। तो गाइस आज ही बारिश हुई है तो गीला गीला हुआ पड़ा है, और काफ़ी ठंड है यार बहुत यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट्स पंजाब में काफ़ी ठंड है। और ये टेरेस आ जाता है, इसके ऊपर भी ये टेरेस जाने का, बट वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है तो वो सीढ़ी लगा के ऊपर जाना पड़ता है। और ये मेन रोड आ जाती है जो कि सारी अमृतसर को जाती है, और सामने है मंदिर। बहुत ही ग्रीनरी है गाइस यहाँ पे, बहुत मजा आता है यहाँ पे आके, फ्रेश हो जाता है बंदा, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। सामने है लॉन्ड्री एरिया जहाँ पे मामा कपड़े धोती है। तो होपफुली गाइस आपको अच्छा लगा होगा, आपको मैट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि मेरा घर आपको कैसे लगा, और कैसा लगा आपको मेरे घर का टूर। होपफुली आपने करा होगा एंजॉय। तो चलिए गाइस इजाज़त दीजिए जाने का, बिकॉज आज मुझे अभी पैकिंग करनी है घर पे अभी, तो मुझे रात की ट्रेन है मेरी, तो मुझे वापस जाना है अजमेर। तो चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, लव यू।